हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की फिर से ट्राई देने के लिए, बिकॉज तीन बार तो मैं फेल हो चुका हूँ, मतलब दो बार फेल हो चुका हूँ, तो अब की बार तीसरी बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं आज क्या बनता है यार। एंड अगर मैं मौसम की बात करूँ तो सनी वेदर है एंड काफ़ी अच्छा है आज का मौसम। सो माता का नाम लेके चलते हैं सीधे दसुआ सिटी में ट्राई देने के लिए। और इस बार मैं जा भी अकेला रहा हूँ, पहले तो हैरी साथ में जाता था, अब की बार अकेला जाना पड़ेगा। वेल, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है यार। ओए तेरी शुक्र है भाई, आज फाटक खुला है। अगर मैं एक मिनट भी लेट हो जाता ना तो आज फाटक बंद हो जाता, बिकॉज़ फाटक वाले को फ़ोन आ गया था, तो उसने मे भी फाटक अभी बंद कर दिया होगा। आज ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बाइक को फास्ट चलाने में, क्योंकि अकेला हूँ और मजे मजे से चलते हैं आज। आज ना मैं बाइक 40-50 से ऊपर लेके नहीं जाने वाला। डस्ट के कारण, पोल्यूशन के कारण ना मेरे गले में दर्द होने लगा, मतलब एलर्जी सी मुझे हो रही है, तो अभी मास्क डाल लेते हैं यार। अरे मास्क गिर गया था यार रोड के ऊपर। तो गाइस फाइनली मास्क तो मैंने डाल लिया, और दूसरी जो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत है ना, वो धूप के अंदर मुझे दिखाई नहीं देता, मतलब ब्राइटनेस इतनी पड़ती है ना आँखों में, तो आँखें मैं खोल नहीं पाता अपनी। तो यार मतलब ये पता क्यों होता है, बिकॉज नाइट ड्यूटी करने के कारण कभी कभी बीच में ना इतना पड़ जाता है ना, तो उसके कारण ना मुझे ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए मुझे ना ग्लासेस लगाने ही पड़ते हैं। तो मैं मतलब ग्लासेस के बिना तो बिल्कुल रह नहीं पाता यार, धूप के अंदर नहीं जा सकता मैं। अब आ रहा है पूरा मजा बाइक चलाने का। तो गाइस फाइनली मुकेरियां सिटी में तो एंटर कर चुके हैं, तो ना अभी ना मैं अपनी फाइल कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से करेंगे फाइल कलेक्ट। तो गाइस फाइल कलेक्ट कर ली है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी से। मैं ना कब का 40-50 पे बाइक चला रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे दसुआ सिटी में पहुँचने में। तो यार इससे अच्छा ना थोड़ा फास्ट चला लेते हैं, मतलब 80 के करीब चला लेते हैं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना है। इसलिए कभी भी आपको ना 50 किलोमीटर मैक्सिमम अगर जाना हो ना बाइक पे, तो हमेशा हेलमेट लगा के जाएं, बिकॉज अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो आपका दिमाग ना सुन हो जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता। तो यार मुझे भी एक हेलमेट खरीदना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हेलमेट ले लूँ। सो गाइस फाइनली दसुआ सिटी में पहुँच गए हैं। कभी भी अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो ना, तो आपको डिवाइडर के साथ में नहीं चलाना, आपको ना यहाँ पे रखना है सेंटर में थोड़ा, और पिछले को ओवरटेक नहीं करने देना, बिकॉज इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर वो ओवरटेक करेगा ना आप साथ में चल रहे होंगे, तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कभी भी अगर आप लोग सिंगल रोड पर ना मेन रोड पर ड्राइव कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ओवरटेक करने की कोशिश मत करना और ज़्यादा तेज मत चलाना, बिकॉज उसके कारण ना डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ ड्राइव सेफ। तो गाइस ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ पे होती है ड्राइविंग टेस्ट, ये देखो कोई चला रहा है गाड़ी अभी, और थोड़ी देर में मैं भी ट्राई दूंगा, देखते हैं क्या बनता है यार आज। वेल गाइस, ड्राइविंग टेस्ट तो मैंने पास कर लिया है, अभी फाइल जाके जमा करवाते हैं वहाँ पे, देन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा विद इन 1 मंथ के अंदर। अभी ना मैंने एक मैसेज देखा, मैसेज में उन्होंने बोला हुआ है कि तुम्हारा 3 लाख का ना लोन पास कर दिया, आगे ले लो। भाई फेक एसएमएस भी बहुत आते हैं, तो प्लीज़ इनका भी ध्यान रखें, ठीक है। और अभी मुझे लग रही है भूख, तो मैं ना जाते जाते गन्ने का रस पीता हूँ यार। यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद ना मुझे अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, गन्ने का रस पी के ना अभी दिमाग फ्रेश हो गया। इस बार ना मैं पुल के नीचे से गया हूँ, ये देखिए मैं नीचे से जा रहा हूँ, बिकॉज पुल के ऊपर ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं नीचे से जा रहा हूँ। मुकेरियाँ से आते आते मैंने स्कूटर की और जो कार की इंश्योरेंस थी ना वो भी करवा ली है। तो गाइस घर तो मैं पहुँच गया था, देन उसके बाद मैंने लंच किया, लंच के अंदर मैंने दाल चावल खाए, और अभी फ्री बैठा हुआ हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आधा ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। गाइस दूसरे चैनल की वीडियो शूट हो चुकी है, ये देखो अपना DSLR अभी ट्रांसफ़र कर दिया मैंने मोबाइल के अंदर, थोड़ा एडिट करेंगे देन उसके बाद अपलोड करेंगे रात के 8 बजे। एंड अगर आपको 6 पैक ऐप्स बनाने हैं तो वीडियो ज़रूर देख लेना। ये देखो मुझे क्या मिला, जो सबसे पहले मैं माइक यूज़ करता था ना अपनी वीडियोज़ के लिए, बहुत पुराना है ये, मैंने 150 का लिया था अमेज़ोन से। ये जो माइक है ना कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना है। ऐसे करते हैं थोड़ा सा पानी पीते हैं, देन एक्सरसाइज करते हैं, देन उसके बाद काम पे निकलेंगे। एक तो ना मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है, तो ये भी चार्ज करना पड़ेगा, अभी चार्जर मैंने ले लिया है। आज तो मेरे पास ना टाइम भी बहुत कम है, तो विद इन 20 मिनट्स के अंदर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से एंटर होते हैं स्वर्ग के अंदर। तो यार पहले एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बाकी अब लोग बाद में शूट करेंगे। तो गाइस तैयार मैं हो चुका हूँ और निकलते हैं अभी जल्दी से काम पे, लेट्स गो। तो गाइस काम पे मैं पहुँच गया था टाइम पे, और अभी मैं बाहर आया था किसी को बाइक देने के लिए, तो बाहर का माहौल देख लो अभी।
सर्विस रोड पे हूँ एंड रात का नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज का सारा ब्लॉग ना मैंने बाइक पे ही शूट कर दिया। ऐसे करते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लो भाई, स्लिप निकल आई है और बैलेंस चेक हो गया। मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो मैंने बैलेंस इंक्वायरी की थी ना, स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हुई, बस पर्ची के ऊपर ही शो हुई थी। तो वो मतलब अच्छा है, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, जो पीछे खड़ा होगा। तो गाइस, अंदर तो मैं आ गया था और अभी मैं वीडियोस देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर एडिटिंग की। तो कुछ मतलब एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और आज का व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग को एडिट करके 2-3 दिन के बाद अपलोड करेंगे। तो मैं भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस।